This news is brought to you by Nandini College of Nursing. मंडी आयुर्वेदिक विभाग के चिकित्सा अधिकारियों की एक टीम ने कोविड केयर सेंटर ढांगसीधार में कोविड 19 के मरीजों का इलाज करने के बाद 14 दिन क्वारंटाइन में अपना समय बिताया। साथ ही सभी कोरोना वॉरियर्स का कोविड 19 टेस्ट भी किया गया, जिसमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई। वही रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद कोरोना वॉरियर्स को जिला स्वास्थ्य विभाग मंडी द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश ठाकुर ने सभी कोरोना वॉरियर्स और जिला प्रशासन सहित आईपीएच विभाग का सहयोग करने के लिए धन्यवाद व्यक्त किया। आप सबका बहुत धन्यवादी हूं कि आपने जो हमारे डीसीसी ढांगसीधार में डेडिकेटेड कोविड रिसर्च सेंटर जो था उसमें अपनी सेवाएं दी 7 दिन की, और उसका ये नतीजा रहा कि जो पेशेंट वहाँ रहे वो सभी बड़े खुशी होकर गए कि उनको अच्छी सर्विसेज मिली और वो नेगेटिव भी हो गए तो और ठीक होके गए, तो उसका जो क्रेडिट है वो आपको जाता है। और मैं डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिसर और इनके, क्योंकि जैसे हमने डिमांड की थी भी ऐसे ऐसे इतने मैन पावर चाहिए तो हमें उनकी मिलती रही टाइम टू टाइम, और जो ट्रेनिंग का शेड्यूल था वो हम मेरे जिम्मा था तो हम उसको करते रहे। डॉक्टर सचिन जो नोडल ऑफिसर आपके विभाग की तरफ से नियुक्त किए गए थे, तो ये बड़ा अच्छा लाइजन रहा हमारे इसमें और अच्छी कोऑर्डिनेशन से काम हुआ। तो इसके साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब, ईडीएम साहब और पुलिस डिपार्टमेंट का, आईपीएच विभाग जिनका हमने जो फैसिलिटी यूज़ की डीसीसी, तो उसमें सभी विभागों का जो है अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा, और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का जिस रेस्ट हाउस में हमने आपको क्वारंटाइन किया था और आपके भी सैंपल लिए तो आप भी नेगेटिव हैं हुए, तो नेगेटिव होने का एक ये भी रहता है कि साइको रहता है कि कई बार हमें ना हो, तो इस हिसाब से हमने सारी पैरामीटर्स के ऊपर काम किया था कि जो 10th डे आपका सैंपल लिया था उसके बाद आपके 11वें दिन में रिपोर्ट आई थी वो नेगेटिव हुई। तो मैं दोबारा डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिसर और आपकी पूरी टीम, डॉक्टर संजय, डॉक्टर शिव, डॉक्टर मनोज और जो फार्मासिस्ट मैंने अपने अरुण जी हैं, तीनों फार्मासिस्ट हैं सभी का, एक्चुअली मेरे को कई बार नाम याद नहीं आता, तो मैं सबका तहे दिल से आपका धन्यवाद हूँ। वहीं जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर गोविंद राम शर्मा ने जिला स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन का धन्यवाद व्यक्त किया। आज जो है बड़े हर्ष का विषय है कि जो हमारे डीसीएस छिपनू में अभी तक 4 टीम गई हैं, उसमें से हमारी जो दूसरी टीम है बी टीम है जो कि आज क्वारंटीन के बाद जो आज अपने घर को वापस लौट रही है, तो घर वालों के लिए बड़े हर्ष का विषय है और हमारे लिए बड़े हर्ष का विषय है कि आज जो है इन्होंने अपनी दिन रात सेवाएँ दी और आज अपने आप परिवार के बीच में जा रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं जो हमारे एमओ साहब हैं डॉक्टर दिनेश जी, इनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, जब कभी भी हमें किसी वक्त कोई प्रॉब्लम आई इन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया। और इसके साथ साथ मैं सीएमओ और प्रशासन का भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, कई चीज़ें जो है कई बार हमें वहाँ बार बार जाना पड़ा है परंतु उनकी तरफ से हमें पूरा सहयोग मिला। इसके अलावा जो हमारे रेस्ट हाउस हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का है, आईपीएच का है या फिर हमारा फॉरेस्ट वालों का, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भी वहाँ पर जो हमारे जितने भी लगे हुए थे उन सब का जो पूरा जो है सहयोग दिया और कोई परेशानी नहीं आई। और ये भी कहना चाहूँगा जो 4 टीमें थी इसमें जो एक एक टीम में 3 AMOs और 3 जो हैं आयुर्वेदिक फार्मेसिस्ट हैं, और उसके साथ स्वास्थ्य विभाग के नोडल ऑफिसर है डॉक्टर रजनीश, और उन्होंने भी जो है इन लोगों को सहयोग मिलता है, जब कोई प्रॉब्लम आती थी डीसीएस सिपनू में तो वो जो दिन रात जो वो है इस सेवाएँ देने में लगे रहे, और उनका भी मैं बहुत तहे दिल से उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। और उसके साथ साथ जो हमारे नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर सचिन जी, उनका जो है अपनी प्राइमरी एजेंसी हेल्थ के साथ जो अच्छा तालमेल रहा जिस कारण जो हम अच्छी सेवाएं देने में जो है सफल रह पा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है अब हमारी जो एक तीसरी टीम है जो क्वारंटाइन में है और एक चौथी टीम जो है वो पिछले 4 दिन से जो है इस कार्य में लगी हुई है। और इसके साथ साथ जो मैं अपने जो है उन रोगियों को भी करता हूँ कि जो पेशेंट जो हमारे ठीक होकर गए हैं उनका भी धन्यवाद है, उन्होंने भी जो है जो हमारा जो 15
मई का जो सर्कुलर था उसके आधार पर उनको जो प्रातःसायं मध्यस्थी अधिकार अपनाया गया और उनको जो है इसके अच्छे परिणाम मिले, और इसके परिणाम स्वरूप जो है आज वो भी जो है पॉजिटिव से नेगेटिव होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। आज जो है मैं पुनः जो प्रशासन का, CMO साहब का और अपने जो है निदेशक महोदय आयुर्वेद का भी धन्यवाद करता हूँ कि उनका भी जो हमें जो है समय समय पर जो चाहे मध्यस्थी काढ़ा हो किसी समय जो जोधपुरी तो उन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया। जानकारी के अनुसार मंडी आयुर्वेदिक विभाग के यह चिकित्सा अधिकारी 30 मई से लेकर 6 जून तक कोरोना मरीजों का इलाज करते रहे और 14 दिन तक क्वारंटाइन में समय बिताया। इस दौरान कोरोना वॉरियर्स का कोविड टेस्ट भी किया गया। वहीं टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने पर 21 दिन के बाद सभी कोरोना वॉरियर्स अपने परिवार के बीच लौटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। To make a successful career in health sector, come to join Nandini College of Nursing. Join 4-year BSc Nursing degree course and 3-year diploma course in GNM Staff Nursing. Recognized by INC New Delhi and Himachal Pradesh Nurses Registration Council Shimla. We provide direct admission in BSc Nursing after plus 2 medical with 45% marks for general category and SCST with 40% marks. And for admission in GNM Staff Nurse course, come from any stream with 40% marks and SCST students with 35% marks. We have special scholarship for SCST and OBC students. Special features: green campus, hostel facility with Wi-Fi, excellent results and placements every year. Affiliated with Government Hospital, Sundanagar. Contact Nandini College of Nursing, VPO Kannad, Tehsil Sundanagar, District Mandi.